बसमिल थीम्स ऑफ रिकन्सट्रकशन ऑफ़ रिलीजस थाट इन इस्लाम दोस्तों ये हमारी सीरीज़ है आज की हमारी थीम है फेथ एंड रीज़न उर्दू में कहेंगे ईमान और अक्ल तो मैं बात शुरू करूँगा इकबाल ने अपनी किताब रिकन्सट्रक्शन ऑफ़ रिलीजस थाट इन इस्लाम में एक जगह कहा कि ईमान तो उस परिंदे की तरह है जो अक्ल की रहनुमाई के बग़ैर भी अपना रास्ता तलाश कर लेता है और साथ उन्होंने ये भी कहा आगे चल के कि एक सूफी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जो अक्ल है वो तो कई दफ़ा इस ईमान की दौलत को लूटने और ज़ाया करने पर भी आमादा हो जाती है ये नहीं है कि अक्ल महदूद नहीं है और यह भी नहीं है कि अक्ल आपके मुख्तलिफ तरगीबात से आपके मुख्तलिफ जो आपके ख़ास एक टेम्परमेंटल जो आपके मसाइल होते हैं किसी भी इंसान के या जज्बात और इमोशन से वो मुतार नहीं होती होती है इंसानी अक्ल पर बाजा नफ्स का बात आपकी जबिलत का बात आपकी एक ख़ास तरह की मैंटल कंडीशनिंग का और अक्सर अकात आपके जज्बात व अहसास का गलबा भी रहता है और अकली मनाहाज कई दफ़ा वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन एक डाउट से भी शुरू करता है शक व शुबे से तो ज़्यादा डाउट ज़्यादा शक और ज़्यादा उसको क्या ना क्या कहना चाहिए जो है, स्कैप स्केप्टिसिज्म जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में और तशकीक उसका बिल्कुल आ, सही तजर्बा है आ, तर्जुमा है उर्दू में तश्ीक पसंदी स्केप्टिसिज्म का तो ये तर्जुमा भी किया गया है उर्दू में जो ठीक है इससे उनका ख़्याल है कि वो एक आ, सीधा साधा इंसान का वजूद और उसमें जो वदीयत किया गया जो ईमान है वो बाज़ात मुतासर होता है मगर अलाम इकबाल ये बात करके यहाँ बात छोड़ नहीं देते ये पहले दूसरे खुत में इस तरह की कई दफ़ा उन्होंने बात की और मोबाइल चलती हैं वो ये कहते हैं कि मगर आ, हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक सी नहीं है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़रा अनकम्फ़र्टेबल होता है कि अपने ईमान की अकली बुनियादें तलाश ना करें मैं उनकी बात को दोहराता हूँ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग दुनिया में मौजूद हैं तो बाद लोगों के लिए तो शायद आसान होगा कि वो एक फितरी और सीधे सादे तरीके से वही बात को उस परिंदे की तरह जो अपना रास्ता ढूंढ लेता है एक फेत हो ईमान हो और वह अपने उसके ज़रिए वो खुदा तक तो पहुँचे तो इकबाल कहते हैं कि सब लोग इस तरह नहीं होते दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग ख़ास तौर पर जदीद पढ़े लिखे उनको ये हमेशा ये ज़रूरत महसूस होती है कि अपने ईमान की अकली बुनियादें तलाश करें तो वाइट हेड ने यह कहा और इकबाल ने उसको दोहराया कि मज़हब का हर दौर अकलीत का दौर भी होता है रैशनैलिटी का भी दौर होता है आ, सारी जो थियोलॉजी है वो करती क्या है आपको मालूम है मैं दोहरा दूँ दौ। थियोलॉजी फ़लसफ़े ही की एक ब्रांच है और वो जो मजहबी हकायक को साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में बयान करने की कोशिश करती है यानी और रवायती जो मजहबी अफराद हैं उसकी तरह थियोलॉजियाँ नहीं करता और वो जदीद जहन को देखते हुए कोशिश करता है कि मजहबी हकायक को ही साबित करे मगर साइंस की रोशनी में और लॉजिक की रोशनी में फ़लसफे की रोशनी में और जी जदीद सफ़िक तहक़ीक़ात की भी रोशनी में तो ये इस तरह वो ईमान की भी बात करते हैं मगर ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत महसूस होती है कि अपने ईमान को अकली बुनियादों पर तलाश करें उसको ट्रेस करें और या फिर उसको सूफ़ी रियासतों के ज़रिए देखें और वाइट हेड की ज़बान से उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए हर मज़बी दौर एक अकली दौर भी होता है रीज़न और रैशनैलिटी का भी दौर होता है अब ये नहीं कह सकते थियोलॉजी यही कुछ कर रही होती मगर जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि अकली मिनहाज पे अगर गौर करें अल्लामा इकबाल ने नेक़ल उसकी लिमिटेशंस उसका अपना एक स्ट्रक्चर उस पर बतौर मुफ़िर बतौर मज़बी इंसान बतौर शायर बतौर एक इंतहा हसास इंसान दोस्तों इस कदर गौर फ़िक्र कर रखा था कि उनके बेतहाशा इस तरह के आ, हैं अशार हैं। इकबाल के बहुत सारे ऐसे अशार हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आ, अक्ल अयार है मिसाल के तौर तो पर एक मिस्रा है अक्ल अयार है सौ भेज बना लेती है तो उन्होंने कहा कि ये जो इश्क है ना ये तो बिल्कुल सीधा चलता है और अपने महबूब के सिवा इसको कुछ नहीं सूझता तो अक्ल अयार है ये सौ भेज भी बना लेती है एक जगह उन्होंने कहा कि निकल जा आकल से आगे कि ये नूर चराग राह है मंजिल नहीं है देखिए वो इकबाल पे दुश्मनी का इल्ज़ाम तो बहुत लाइलमी है और जहालत है वो अक्ल को नूर कह रहे हैं नूर भी है चराग राह भी है मगर वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल मंजिल तक पहुंचा दे ये ज़रूरी नहीं है अपनी बिल्कुल शुरू शुरू की कुछ वीडियोस में रिकन्सट्रक्चर के हवाले से मैं अर्ज़ कर चुका कि वो कहते हैं कि जब मसला वही और अक्ल का हो तो आप अकल की रोशनी में वही को देखना ना शुरू करें आप ये जहन रखें कि वही बड़ा दायरा है और उसमें एक छोटा दायरा अक्ल का है ना कि आप अदर वे राउंड करें इसे इसे बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं यूँ नहीं है कि आप अक्ल को एक बिल्कुल ही मुख्तार कुल समझ लें और उसमें वही का तजिया करना शुरू कर दें वो बात कहीं से कहीं चली जाएगी बड़ा दायरा आप वही को बनाएं और उसकी रोशनी में अकल को देखें और अक्ली को देखें अच्छा दोस्तों यहाँ तक अगर हम आए हैं तो मुझे दो मुफ़्रीन का जिक्र आपसे ज़रूर करना है फेथ और रीज़न की इस वीडियो में इस गुफ्तु में एक तो आ, कुछ माजी के एक माजी करीब भी कहेंगे एक बहुत बड़े फलसफी थियोलॉजियन दानश्वर एक तो मैं किरके गार्ड का जिक्र करूँगा और बाद में आ, काल पॉपर ने इस पर कुछ बहुत ही मामूली बात की है आ, किरके गार्ड की बात भी आप समझ लें मुझे लगता है कि किरके गार्ड की बात फिक्र इकबाल के साथ नहीं जाती और उस पर मैं कुछ मेरी तनकीद भी देख लीजिएगा मैं इस मामले में, में लामा इकबाल का हम ख्याल हूँ और कार्ल पॉपर ने जो कहा है वो आ, आपको खुशगवार हैरत होगी कि वो बहुत मिलती जुलती बात ही कर रहा है जो इकबाल हमें समझा के गए हैं और बिल्कुल अभी कल का आदमी है 1994 तक कार्ल पॉपर ज़िंदा था पहले किरके गार्ड की बात है थी किरके गार्ड का ये ख्याल है कि क्रके गार्ड कौन है आप जानते हैं मैं सिर्फ दोहरा दूँ फलसफ़ी भी है थियोलॉजियन भी है उसको एग्जिटेंश्म का बानी भी कहा जाता है वो बहुत खूबसूरत नसर लिखने वाला भी है मैंने अंग्रेज़ी में उसकी दो किताबों का मुताला किया है उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं मगर ख़ास तौर तो पर दो किताबें आइदर और और फियर एंड ट्रबलिंग तो आपको उसको उनके नामों से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसमें वो क्या मसाइल डिस्कस कर रहा है उसका एक मरहूब मौजू है कि फेथ को राशनलाइज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता और ईमान को अक्ल की रहनुमाई की ज़रूरत है या नहीं है क्रिकार्ट कहता है कि फेथ को ना अक्ल की रहनुमाई की ज़रूरत है और ना ही अक्ल अक्ल उस ईमान को कोई स्ट्रेंथन करती है बल्कि उसका ये ख्याल है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग, अलग चीज़ें हैं एक जगह करके गार्ड ने यहाँ तक कह दिया कि ईमान असल में एक अंधेरी अंधेरे एक अंधेरी जगह पे एक छलांग लगाने के मुतरदफ है उसमें आपको एक जरूरत और एक हिम्मत और एक इंतखब की ज़रूरत है ना कि लॉजिक की और लॉजिक को आप अगर उसमें ज़्यादा लाएँगे तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे अच्छा किरके गार्ड यहाँ पर अपनी बात की वजाहत में हज़रत इब्राहिम की मिसाल देता है हज़रत इब्राहिम ये तो इसमें तो कोई मेरे खाल मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है हजरत इब्राहिम की जो शख्सियत है वो यहूदियों के लिए ईसाइयों के लिए मसीहियों के लिए और किसी वजह से ईसाई भाई कहते हैं कि हमें मसीही कहा जाए ईसाई ना कहा जाए और मैं उनकी बात कबूल करता हूँ हज़रत इब्राहिम की शख्सियत यहूदियों के लिए भी मसीहियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए इन तब सामी मज़ाब के तमाम लोगों के लिए बैक वक्त एक मोहतरम शख्सियत है तो इसलिए वो जो मिसाल देता है वो हमारे लिए भी बड़ी अहम है क्रिक गार्ड कहता है कि देखें जब हज़रत इब्राहीम को ख़ुदा ने कहा कि अपने बेटे को ख़ुदा की राह पे कुर्बान कर दो तो क्रिकार्ट का ये ख्याल है कि अक्ल ने क्या रहनुमाई की होगी कुछ भी नहीं क्योंकि तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस पर तैयार हो गए और उनका जलील कद्र बेटा भी अपने आप को कुर्बान अल्लाह की राह में करवाने पर तैयार हो गया तो वो किरके गार्ड कहता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपने बेटे को आ, इस तरह कुर्बान कर देना ज़िबा कर देना ये तो किसी दुनिया की अखलाकियात तो और एथिक्स में नहीं है ये तो कोई अखलाकियात तो आपको नहीं कहती ये तो कोई अकल नहीं कहती ये तो कोई मंतक का काम नहीं था ये तो कोई लॉजिक का काम नहीं था आप किसी इंसानी तहजीब में ये मिसाल नहीं देखते तो फिर भी हज़रत इब्राहीम और फिर उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल, तो इसमें भी दोस्तों ये थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर आपको मालूम नहीं हो या पता ही होगा मुसलमानों का ख्याल है कि वो बेटा हज़रत इस्माइल थे और मसीही कहते हैं कि वो इसहाक थे ये एक, एक नुक़ नज़र का फ़र्क है तो मैंने कहा जल्दी से बताता चलूँ अच्छा तो उस वक्त ये कोई किसी अकली तकाजे पर तो ये नहीं कर रहे थे करके गार्ड कहता है, तो वो कैसे तो ज़ाहिर है उसने बड़ी तफसील से वो लिखा कि सबसे पहले तो वो उस वक्त कहता है कि हज़रत इब्राहिम जिस शदीद तकलीफ से और एक तशवीश से गुजरे और पहले मेरा ख़्याल है वो यही सोचे कि, कि क्या वाकई ये खुदा ने ही कहा है और जब उन्हें यकीन हो गया कि हाँ ये अल्लाह ने ही कहा है और जब वो उनने बच्चे से बात की बच्चा भी तैयार हो गया और उसके बाद उनको फिर ये भी करके गार्ड लिखता है कि शैतान ने बहुत भटकाने की कोशिश की उन्होंने कहा देखा मैं कहता था ना कि खुदा से मोहब्बत ना पाल देख अब क्या दिन आ गए आपको पता ही इबलीस का तो काम ही यही देख मैं कहता था ना कि उसकी तरफ मत बढ़ देख तो बहुत जिस तरह किरके गार्ड में लिखा मैं तो कई दफ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो कहने लगे कि इंतहाई गम में इंतहाई दुख में इंतहाई तशवीश में एनजाइटी में भी वो इस हुक्म अमल करने के लिए तैयार हो गए और उनका बेटा भी और फिर ऐन वक्त पे अल्लाह ताला ने उसकी जगह एक मेंढे को उन्होंने फिर कुर्बान किया और आपको ये पता ही है कि मुसलमान ईद इसी इवेंट की याद में बनाते हैं अच्छा दोस्तों अब इसमें किरके गार्ड ने जो बात बयान की है और जाहिर है जितनी आ, मैं तो उतने पूरा सर तरीके से शायद बात भी ना कर रहा हूँ जिस और जिस तरह उसने लिखा वो सारी बात बिल्कुल बजा मगर इससे बावजूद Uh, मैं मुतफिक नहीं हो सकता किरके गार्ड की बात से ये लगता है कि फेथ बिल्कुल अलग चीज़ है रीज़न बिल्कुल ही अलग चीज़ है और फेथ को ना सिर्फ ये है कि आप रैशनलाइज़ कर नहीं सकते राशनलाइज करना भी नहीं चाहिए इस तरह के कुछ नतीजे निकलते हैं मुझे इस पर बड़े अदब के साथ किरके गार्ड पर से कुछ इख्तलाफ हैं वो मैं वो मैं बयान कर दूँ सबसे पहली बात तो यह है कि किरके गार्ड ने हज़रत इब्राहीम की मिसाल दी है हज़रत इब्राहिम कौन थे वो खुदा के जलीलु कदर पैगम्बर हैं और उनकी ये हैसियत है कि मुख्तल मजाहब मगर सामी मजाहबी उनकी जो वो सभी दीन इब्राहिमी को मानते हैं हजूर वसल्लम ने जगह जगह कहा आप मुसलमान हैं आपको पता है उन्होंने कहा कि मैं नया दीन लेके नहीं आया ये वही दीन है जो इब्राहिम का दीन है और इसमें जो तहरीफ की थी मैं उसके लिए आया मैं मुजद हूँ वो भी तो यही कहते रहे ना तो आ, मेरा करके गार्ड पे एक तलबिल्मान एतराज़ यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि फेथ एंड रीज़न को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलग चीज़ है और मिसाल खुदा के इतने बड़े पैगंबर और नबी की दे रहे हैं तो पैगंबर की मिसाल और वो भी जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही बड़ी शायद खुदा उससे आजमाइश चाहता है और वो उनकी एक बहुत ही एक्सेप्शनल मिसाल है क्या हम इसको तमाम लोगों पर मेरे और आप जैसे आम लोगों पर लागू भी कर सकते हैं पहली बात ये इतराज़ समझ लें मेरा या मेरा एक सवाल उसे किरकार से कर लें दूसरे ये है कि अगर आप इसी तरह सोसाइटी में इस तरह इसको ज़्यादा प्रोपोगेट करें कि फेथ ना रैशनल रैशनलाइज हो सकता है ना उसको करना चाहिए वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है अक़ल बिल्कुल एक चीज़ है तो देखिए मैं आप आपको अपने बचपन का इस हवाले से एक वाक़ बताता हूँ इस तरह के वाक़ होते रहते हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बचपन में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था मगर लोग बाहर किताबें किताबें कह रहा हूँ आप किताबें भी पढ़ते थे और ये जो रोज़नामे होते हैं अखबारें काफ़ी पढ़ते थे तो अखबार में एक दफ़े एक ख़बर आई कि एक साहब को आ, बार बार ख्वाब आता था कि आप तुम अल्लाह की राह पे निकलो अपने बीवी बच्चों के साथ और आ, हज करने के लिए जाओ तो ज़ाहरा उस, उसके पास पैसे नहीं थे उसके पास वीज़ा नहीं था वो जो दुनवी चीज़ें होती हैं वो सब थी नहीं फिर उस उसको उसका कहना था कि ये भी ख्वाब आना शुरू हुआ कि जो ट्रंक है उसमें अपने आप को और अपनी फैमिली को बंद करके तुम फ़नाने समंदर में भा दो और तुम इस तरह पहुंच जाओगे तो उसकी उन लोगों के जज्बे और उनकी नीयत पे तो कोई शक नहीं है मगर जब उन्होंने इस तरह किया तो वो ज़ाहिर है वो सब डूब गए और तो अब आप अब किरके गार्ड की ही बात को आ, आ, मान लें तो फिर इस तरह के अच्छे दिल वाले अच्छे जज्बे वाले फेत वाले मगर वो दोस्त जिनको शायद हमारी कुछ रहनुमाई की ज़रूरत है जिनको मोहब्बत से ये सिखाने की ज़रूरत है कि इकबाल ने जैसे कहा कि फेथ बहुत अहम चीज़ है और वो उस परिंदे की तरह है जो अपना रास्ता बना लेता है मगर बहुत सारे लोग यहाँ तक अपने आप को महदूद नहीं रखते आप उन्हें आप उन्हें यह हक़ दें बहुत सारे लोग अपने फेथ की अकली बुनियादी चाहते हैं तो ये दुरुस्त बात है और वाइट हेड की बात गलत नहीं है कि हर मजहबी दौर अकलीयत का भी तो दौर होता है इतनी थियोलॉजी थियोलॉजी यहूदियत में भी है नसरानियत में भी है इस्लाम में भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि इल्म सारा ख़त्म कर दें और फिर एक बात मेरे पास मेरे पास तो एक और नबी ही का रेफरेंस है दोस्तों आपके साथ शेयर करने का देखिए हज़रत मूसा के बारे में हमने सुना कि उन्होंने कहा एक दफ़ा कि खुदा से कहा कि मुझे अपना जलवा दिखा दे और वो कलीम कहलाए बाद में मूसा तो कलीमल्ला तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर तेरा ईमान नहीं है उनका बिल्कुल है बिल्कुल है ईमान और दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि ईमान के कई दर्जे होते तो हज़रत मूसा पहाड़ तक गए और बर्दाश्त नहीं कर सकते कर सके एक छप भी देखी और वो बेहोश होकर गिर पड़े तो हम ये भी तो जानते हैं ना तो ये है कि किरके गार्ड की बात को ये कहना कि बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनको मुख्तलि ही बिल्कुल रखा जाए और चीज़ों को ना सोचा जाए ये मेरा ख़्याल है इससे बेहतर रवैया मुझे लामा इकबाल का लगता है वो ये मानते हैं करें हर एक इंसान में फेत होता है वो ये भी मानते हैं कि उसकी बात सत्ता पे कि इंडिपेंडेंट हैसीत है मगर वो ये भी मानते हैं कि मुख्तलिफ टेम्परमेंट्स के लोग खुदा तक मुख्तलिफ तरीके से पहुँचते हैं और वो ये भी मानते हैं कि उसको रैशनलाइज़ करना उसकी अकली बुनियादें ढूँढना कोई बुरी बात नहीं है वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ये पहले हमने ज़िक्र किया एक वीडियो में वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको कोई सच्चा खाब आता है तो उसकी भी साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने में कोई हर्ज नहीं ताकि हमें सही सही पता चले कि ये रूहानी ख्वाब ही है कहीं दबी हुई .E. ख्वाहिशात के तहत तो नहीं ख्वाब आ गया और हम उसको कंफ्यूज करें अच्छा अब गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में मैं कार्ल पॉपर का जिक्र करूंगा पहले बात हो गई ऑस्ट्रियन जर्मन मगर वो उस ज़्यादातर तो उसने आ, बात की ज़िंदगी में इंग्लिश में लिखा बहुत बहुत अच्छा इंग्लिश में भी लिखने वाला लंदन स्कूल ऑफ एक्नॉमिक्स में उसने ज़्यादा अर्सा गुजारा अपना 1902 में पैदा हुआ उन्नीस में, में उसकी डेथ हुई वो इसी हवाले से ज़ाहिर फेथ उसका शायद मसला नहीं था सेकुलर लिबरल एथिस किस्म का वो फलसफी लगता है मगर रीज़न को जिस तरह उसने क्रिटिसाइज़ किया आप शायद मेरी तरह अश कर उठे कार पॉपर कहता है कि दो तरह का राशनलिज़म होता है एक क्रिटिकल रैशनलिज़म और एक अनक्रिटिकल या कॉम्प्रिहेंसिव राशनलिज्म वो कहता है कि क्रिटिकल रैशनलिज़म को तो मैं मानता हूँ यानी वो अकलीत वो रैशनलिज्म जो अपनी हदूद युद्ध हदूदों का युद्ध माने और फिर चले और कम्प्रीहेंसिव रैशनलिज्म का उसने खुद कैसे मजाक उड़ाया आइए देखते हैं बहुत मुख्तसर समझ आ जाएगी वो कहता है कि कंप्रीहेंसिव या रैशनलिज्म ये है कि एक साहब आपके पास आए और वो कहें कि मैं तो कोई बात मानता ही नहीं कि जब तक वो अकली ना हो तो पॉपर कहता है कि आप उनके कहें रुके और उन्हीं की बात को इन्वर्टेड कोमा में लिख लें ये मैं ज़रा मुख्तसर करने के लिए कुछ मगर पॉपर को हर्ट किए बगैर मैं बात कर रहा तो हमने उनको रोका और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कि मैं कोई बात नहीं मानता जब तक कि वो अकली ना हो तो पॉपर कहता है कि गौर करें ये स्टेटमेंट भी तो अकली नहीं है एक फरमाइशी है तो पहले आपने कहा था कि मैं अनक्रिटिकल या कॉम्प्रीहसिव रैशनलिज्म का मानने वाला हूँ मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मानता कि जो अकली ना हो मगर आपकी ये जो स्टेटमेंट भी है ये भी अक्ल की हमायत में असल में फरमाइश है ना कि अकली है। तो ये बहुत दोस्तों ये बहुत काम की बात है इस तरह कार्ल पॉपर ने कहा कि अपना उसने कहा कि मैं भी बहुत राशनल हूँ मैं भी अक्ल की बहुत हमायत करता हूँ मगर मुझे पता है कि अक्ल की क्या हदों का यूद है मैं क्रिटिकल रैशनलिज़म की तरफ जाऊँगा मैं कंप्रेंसिव रैशनलिज्म की तरफ नहीं जाऊँगा सो दोस्तों अब मैं इसको कुछ इसका कुछ खुलासा करना चाहता हूँ आज हमारा टॉपिक था और है अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ फेथ एंड रीज़न सबसे पहले आपसे अर्ज़ किया है कि किमामा इकबाल किसी भी इंसान में मौजूद फ़ेथ की एक मुस्तकिल और इंडिपेंडेंट हैसीियत का बिल्कुल इनकार नहीं करते अगर वो इनकार करें तो कभी ये ना कहें कि ईमान तो उस परिंदे की तरह है कि जो अक़ल की रहनुमाई के बग़ैर भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है अगर ये इंडिपेंडेंट हैसीयत ना माने तो वह यह ना कहें कि अकल कई दफ़ा अपने शक व शुबे में वो कीमती दौलत ही हमसे लूट लूट लेती है और अक्ल की के कयूद पर इतने उन्होंने अशार कहे हैं जिसमें वो तो बहुत ही दोबारा दोहराने के लायक है कि मिस्रा यार है स्वभेष बना लेती है या फिर जैसे कहा कि निकल जा से आगे कि ये नूर चराग रहा है मंजिल नहीं है या कहा कि खिरत के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं या बहुत शानदार उनका शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाए बाम बामबी मगर इन सब के साथ वो कहते हैं कि ये हक देना चाहिए दो लोगों को बाद लोग अपनी फेथ को राशनलाइज करना चाहते हैं और उसकी राशनल बुनियादें तलाश करना चाहते हैं करके गाट का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो एक बड़ा मुफ़िर है मगर वो फेथ एंड रीज़न को बिल्कुल अलग अलग समझता है और हज़रत इब्राहिम की मिसाल देती है मैंने बहुत तालबिल्माना उससे जो इख्तलाफ करना तो वह आपके सामने रख दिया हज़रत इब्राहिम जैसे जलील पैगम्बर की मिसाल को आम लोगों पर आई डोंट नो किस तरह जनरलाइज़ किया जा सकता है उसकी मैंने एक मिसाल भी दी है वो शायद जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता और माशरे को आ, इस तरह मेरा ख़्याल है कि हम नहीं चल सकते कि अब हम इस तरह की बात माशरे को आ, में प्रोपोगेट करें कि रीज़न मनतक शौर कोई बिल्कुल अलग चीज़ है और फिर कोई बिल्कुल अलग मगर आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि कार पॉपर का जिक्र मैंने इस तरह कि, इसलिए किया कि इकबाल की तरह कार पॉपर ने भी अक़ल की हदूदों को यूथ का ज़िक्र किया है और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार तरीके से किया है उसने कहा कि ये इंसान की चॉइस होती है कि वो अकली बात की तरफ जाए या ना जाए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते क्रिटिकल रैशनलिज़म को तो मैं मानता हूँ अगर आप यहाँ तक आ जाएं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट में नहीं मानूंगा अगर वो अक्ली नहीं होगी तो आपकी ये ख़ुद स्टेटमेंट भी अकली नहीं होगी और एक फरमाइश से ज़्यादा उसका कोई हैसियत नहीं होगा आ, मैं कंक्लूड ये करूँगा कि अलाम इकबाल की बात मानने में ही मेरा ख़्याल है कि एक मुस्लिम माशरे की फलाह है और बका है कि आप फेद को भी देखें अक्लोशर का भी इनकार ना करें और उस थियोलॉजी का इनकार ना करें जिसके बारे में बाइट ने कहा कि हर महबी दौर अकलीत का दौर होता है और थियोलॉजी बाहरहाल मज़बी हकाइक़ को साइंस लॉजिक फ़लसफ़े और मनत की जबान में साबित करने का एक नाम है और इस तरह भी बहुत सारे लोग चलते हैं और अपने फेथ को राशनलाइज़ करने और असली बुनियादें फ्राहम करने की कोशिश करते हैं बहुत शुक्रिया